Very warm good morning, guys. That's me, Govind Dhakre. Welcome to my channel, Govind Sir English Classes. Please do subscribe my channel and hit the bell icon. Guys, मेरे पास DSLR नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत बेहतरीन नॉलेज देने वाला हूँ इंग्लिश की, जो बच्चे SSC, बैंक एंड UPSC की तैयारी कर रहे हैं. ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉनकॉर्ड का एक टॉपिक है, जिसे हम पढ़ाना चाहते हैं. एक्चुअली क्या कर रहे हैं, टीचर्स मोस्ट ऑफ द टीचर्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक होता है, एक दिन में ही फिनिश हो जाता है, इसमें कुछ है नहीं. ठीक है, फिर भी मैं लॉजिकली आपको बताता हूँ होता क्या. एक्चुअली देखिए, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे, नथिंग बट द ब्रेव ब्लैंक स्पेस द क्रेडिट. अब इसमें डिजर्व आएगा या डिजर्व्स आएगा. नथिंग बट द क्रिटिक्स गेव गिव्स द राइट ओपिनियन. नन बट द बुक्स इज आर गुड फ्रेंड्स. नन बट शुगर इज आर हेल्थियस्ट. में वर्ब लगाना है, मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ आंसर कैसे. देखो, नथिंग बट द ब्रेव इसमें डिजर्व्स आएगा, नथिंग बट द क्रिटिक्स इसमें गिफ्ट आएगा, नन बट द बुक्स इसमें इज आएगा, नन बट शुगर इसमें इज आएगा. अब देखो, सब में सिंगुलर क्यों आ रहा है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ यूजिंग सिंगुलर वर्ब इन ऑल द सेंटेंसेस. रीजन इज दैट, देखो यहाँ पे जो बट दे रखा है, बट ये हमारा क्या प्रैप, इसे बोलते हैं प्रीपोजिशन. जहां पे भी बट दे रखा है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है. ये भी प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है. और प्रीपोजिशन के बाद में प्रीपोजिशन हमेशा अपना खुद का ऑब्जेक्ट लेता है, और प्रीपोजिशन और प्लस ऑब्जेक्ट ये मिलके हमारा काम करता है एडजेक्टिव का या एडवर्ब का. तो ये कभी सब्जेक्ट हो नहीं सकता है, ये कभी सब्जेक्ट हो नहीं सकता है. तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, नथिंग. नथिंग क्या होता है हमारा, नथिंग क्या होता है हमारा, प्रोनाउन, और सिंगुलर होता है. नन भी हमारा क्या होता है, प्रोनाउन, ये भी सिंगुलर होता है. तो इसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और कोई लॉजिक नहीं होता. अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चों, स्टूडेंट्स, टीचर्स, हमने सब्जेक्ट के बाद में तुरंत प्रीपोजिशन कैसे यूज कर लिया. अगर कोई टीचर या स्टूडेंट मुझे बता सकता है तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ. आई एम डैम श्योर अबाउट दैट. तो याद रखना, नथिंग बट, नन बट. और दूसरी बात, जब भी नथिंग बट या नन बट लिखेंगे, नथिंग बट या नन बट, जब भी नथिंग बट या नन बट लिखेंगे, तो ये हमारे इडियम होते हैं, ये हमारा इडियमेटिक इडियम है ये हमारा, और इसका मतलब होता है ओनली. और ओनली हमारा कई तरीके से काम करता है. ओनली हमारा एडजेक्टिव भी होता है, ओनली हमारा एडवर्ब भी होता है, तो ओनली हमारा कंजंक्शन भी होता है. तो इस तरीके से काम करता है. तो यहाँ पे नन बट या नन नथिंग बट का मतलब होता है ओनली. ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है आपको. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपसे कॉमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है कि नथिंग हमारा अगर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद में प्रीपोजिशन कैसे आ गया. सब्जेक्ट के बाद में तो वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद में प्रीपोजिशन कैसे आ गया. तो यू हैव टू कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स, देन यू हैव टू फाइंड आउट आंसर फ्रॉम माय साइड. ओके, सो गाइस, थैंक यू वेरी मच. ये मैंने आपको बता दिया, नथिंग बट, नन बट जब भी आएगा तो ध्यान रखना, बट हमारा प्रैप होता है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है. ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं आता है, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता. तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे नथिंग, नथिंग, नन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है. तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच. सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़.